हेलो, कम अगेन एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे, अरे आप तो अपने पिछले वीडियो में और इस वीडियो में सेम लग रहे हैं। तो जी हाँ, मैं दोनों वीडियो साथ में शूट कर रही हूँ, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप हेवी पोशाक की केयर कैसे कर सकते हैं। जो भी अभी न्यूली मैरिड है, शादी से पहले तो मम्मा अपनी ड्रेसेस की केयर करती ही है, लेकिन शादी के बाद तो हमारी ड्रेसेस की केयर हमें खुद को करनी पड़ेगी। तो मैंने भी अपने मदर इन लॉ से, अपनी मम्मा से, नानी से सीखा है कि हैवी प्योर की पोशाक की केयर कैसे करें, और वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि उनको रखना कैसे है, उन्हें क्लीन कैसे करना है, मतलब ड्राई क्लोथ से आपको क्लीन करना पड़ेगा, और ऐसे ही सारी प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ। जैसे ही मैं ये वीडियो तब शूट कर रही हूँ जब मैं ऑलरेडी एक हैवी ड्रेस को पहन चुकी हूँ। मैं उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट उसे फोल्ड करके रख दिया था, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती थी कि उसकी केयर कैसे करनी। इसलिए मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि आप पहले पोशाक जब भी पहने, उसके बाद में उसकी केयर कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। धूप में देना है, ज्यादा देर नहीं देंगे, अगर ज्यादा देर देंगे तो इसका जो कलर है वो फेड हो जाएगा। तो इसे 5 मिनट के लिए धूप में देना है ड्रेस को। और उसके तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, और मैं ये ड्रेस को उतार लेती हूँ। चलिए अब हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। देखा, मैंने ड्रेस को धूप में दे दिया था। अब इसकी अच्छे से घड़ी करनी है, और सबसे पहले इसकी मगजी को क्लीन करनी है, क्योंकि आप जब भी वेडिंग में या पार्टी में ये ड्रेसेस पहनते हैं तो नीचे से मगजी बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, उसमें धूल लग जाती है, और मोस्टली लोग उसी को थोड़ा सा झटक के और घड़ी करके रख देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। तो सबसे पहले हमें एक ड्राई क्लोथ लेना है क्लीन, और उससे इसकी मगजी को क्लीन करना है नीचे से। ये जो भी वर्क है उस पर भी आप लाइट हैंड से ऐसे क्लीन कर सकते हैं, ताकि इसमें भी जो भी डस्ट हो वो क्लीन हो जाए। ऐसे ही आप पूरी मगजी को क्लीन कर दें। और ये इसकी कुर्ती है, कुर्ती में भी डस्ट लग जाता है, तो इसके भी पूरी वर्क को क्लीन कर दें। क्लीन करने के बाद में आपको इसको अच्छे से घड़ी करना है, इसकी तय लगाना है, और उसके लिए आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी। न्यूज़पेपर हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि इसके जो भी वर्क है वो एक दूसरे से मिले ना और खराब ना हो। तो आपको सबसे पहले लहंगे को इसको पूरा अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद में आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, और उसको ऐसे जो जहां पे सबसे ज्यादा वर्क है उस वर्क के ऊपर ऐसे लगा देना है, ताकि ये एक दूसरे से मिले ना। और उसके बाद में आपको वापस से न्यूज़पेपर लेना है, और वापस से उसके वर्क पे पूरे पे लगा देना है। बाद में आपको कुर्ती लेनी है, कुर्ती से पहले वापस न्यूज पेपर लगाकर इसको हाफ फोल्ड कर देना है। और ये जो कुर्ती है, कुर्ती को भी मैंने ऐसे ही तय लगाया है बीच में न्यूज पेपर लगाकर, तो इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद में यहाँ रख देंगे, ताकि कुर्ती का वर्क और इसका वर्क मिले ना। और वापिस एक न्यूज़पेपर लगाकर कांचली को भी रख देना है। एक न्यूज़पेपर को पूरा इस पे लगाकर इसको फोल्ड कर देना है। ऐसे आपका वर्क पूरा सिक्योर रहेगा। उसके बाद में मैंने ओढ़ने को भी पूरे इसी तरीके से बीच में न्यूज़पेपर लगाकर इसकी घड़ी कर ली है। ये जो हमारी पुरानी ओढ़नी रहती है उसको लेना है, और
स्ट्रेस को रख देना है। इसके बाद में एक न्यूज़पेपर वापस लेकर ऐसे ड्रेस पे रखना है और ओढ़नी को रख देना है। फिर आपको इसको चारों तरफ से फोल्ड करना है ताकि इसमें धूल डस्ट ना घुसे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी हैवी ड्रेस होती है या कोई भी कपड़ा होता है वो भी ब्रीथ करता है, इसलिए हम लोग कॉटन का कपड़ा यूज करते हैं ताकि उसमें डायरेक्टली हवा ना घुसे लेकिन थोड़ी हवा लगे ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। और ऐसे आप इसे पूरा फोल्ड करके रख सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, आप इन्हें पुरानी ओढ़नी में, कॉटन की ओढ़नी में भी पैक करके रख सकते हैं। और ये दूसरी पोशाक है जिसको मैंने एक बैग में रखा है, ये आगे से प्लास्टिक का, पीछे से इसमें कपड़ा लगा हुआ है। तो आप ऐसे बैग्स खरीद के भी पोशाक रख सकते हैं अंदर, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या होता है, आप दोनों तरह से प्लास्टिक वाला ना खरीदें क्योंकि फिर कपड़े में हवा नहीं लगती है, जो इनडायरेक्टली हवा होती है वो तो पास होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। तो आप आगे से प्लास्टिक वाला और पीछे से कपड़े वाला बैग खरीदें और उसमें भी आप अच्छे से पोशाक रख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और जरा भी हेल्पफुल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप भी अपनी पोशाक की ऐसे ही केयर कर सकते हैं। अगर आप नाइट में किसी भी पार्टी से या वेडिंग से आ रहे हैं तो अगले दिन मॉर्निंग में ड्रेस को 5 मिनट के लिए ही सही लेकिन धूप जरूर दिखाए। उससे क्या होता है, जो भी हमारा स्वेट का स्मेल होता है वो निकल जाता है और उसके बाद में ही आप उसको फोल्ड करके अच्छे से रखें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं पहले एक ड्राई क्लोथ से उसकी मगजी और उसके जो भी थोड़ा बहुत, जब हम लोग वेडिंग में जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत भी डस्ट तो लगेगा, तो उसको आप क्लीन करने के लिए एक ड्राई क्लोथ की मदद ले सकते हैं जैसे मैंने किया था। और ऐसे आप क्लीन करें, अच्छे से फोल्ड करें, पेपर लें। पेपर बहुत लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ये तो वर्क डंका का था, अगर जरदोजी होता तो वो तो और ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अच्छे से आप फोल्ड करें, बीच में पेपर लगाएं। और मोस्टली मुझे तो कॉटन की ओढ़नी पसंद है उसको रखने के लिए। बैग तो मैं एक आधी पोशाक के लिए यूज़ करती हूँ, पर्सनली मैं ओढ़नी पसंद करती हूँ। आपकी चॉइस है, आप जो भी पसंद करें उसे यूज़ करें। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।